वो कितना भव्य नजारा होगा। बारिश भी हुई और जम्मू कश्मीर में सूखा भी पड़ गया क्योंकि वहां बर्फबारी ही नहीं हुई। लेकिन अमेरिका में बर्फीला तूफान आ गया। अमेरिका के मौसम विभाग का कहना है कि वहां आए बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका के एक बड़े हिस्से को आफत से जूझना पड़ेगा क्योंकि मध्य और पूर्वोत्तर अमेरिका में आसमान से सफेद आफत। महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, डेढ़ साल बाद शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता पर आज फैसला आने वाला है। यह फैसला महाराष्ट्र सरकार का भविष्य तय करेगा क्योंकि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सदस्यता पर भी तलवार लटक रही है। अगर वो अयोग्य घोषित होते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस पूरे मामले में 10 जनवरी तक फैसला सुनाने का आदेश दिया था और आज ही फैसले की तारीख आ गई है, यानी कि आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायक रहेंगे या फिर नहीं। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत का आज बहुत बड़ा दिन। पहले 31 तारीख को फैसला आना था लेकिन उसे आगे एक्सटेंड कर दिया गया। अब आज आखिरी दिन है, आज वो दिन है जबकि फैसला स्पीकर की तरफ से आएगा कि एकनाथ शिंदे वो 16 विधायक उनके गुट के जो कि सबसे पहले बागी हुए थे उनका क्या विधायकी बचती है या फिर नहीं बचती है। और बड़ी बात यह कि इन 16 विधायकों में खुद एकनाथ शिंदे भी शामिल है, तो अगर अयोग्य ठहरा दिया जाता है इन 16 विधायकों को तो एकनाथ शिंदे को खुद या इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि सरकार बची रहेगी इस गठबंधन की लेकिन एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित होने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाएंगे। लेकिन डेढ़ साल से लटका यह मामला पेचीदा है। कैसे? क्योंकि उद्धव ठाकरे का गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, उसकी तरफ से अदालत में अर्जी दाखिल कर दी गई जिसमें स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए थे। उद्धव ठाकरे गुट ने कोर्ट से शिकायत की कि फैसला सुनाने से 3 दिन पहले विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर हैं जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर जाकर उनसे मुलाकात करके आते हैं, जबकि इस मामले में शिंदे की खुद की सदस्यता पर फैसला आना भी बाकी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया कि स्पीकर शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता पर निष्पक्ष फैसला कैसे सुना सकते हैं। दो बार वो मिले, एक बार नहीं दो बार मिले हैं। दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है, स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है, और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है। देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तभी निकाला जा सकता है। उद्धव ठाकरे फैसला आने से पहले ही उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो जिस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तारीख थी 7 जनवरी। 3 दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे से जाकर उनके घर पर मुलाकात करते हैं। इसी बात पर उद्धव ठाकरे गुट आग बबूला हो गए, उसने सुप्रीम कोर्ट से इसकी शिकायत कर दी। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर इस मीटिंग पर सफाई देते हैं और कहते हैं कि 3 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने जाने वाले थे मगर वो खुद बीमार हो गए, इसलिए फिर 7 जनवरी को एकनाथ शिंदे से मुलाकात होती है। उन्होंने मुलाकात करने की वजह भी बताई। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुंबई के कुछ इलाकों के सौंदर्यकरण के बारे में बातचीत की है। अब ये पूरा विवाद 1.5 साल पुराना है। विवाद कैसे शुरू हुआ था वो भी आप समझ लीजिए। ये वो विवाद है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचाई हुई है। मसला शुरू हुआ था जून 2022 में, तब महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। उस वक्त ना एनसीपी दो फाड़ थी और ना ही शिवसेना दो धड़े में बटी हुई थी, ये महाराष्ट्र के अंदर सरकार थी। फिर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के उस वक्त मुख्यमंत्री थे और आप कह सकते हैं कि अगुवाई ये जो पूरा गठबंधन था उसकी यही कर रहे थे। लेकिन 1.5 साल पहले जून 2022 में एकनाथ शिंदे के 39 एमएलए एक साथ बागी हो गए थे। अब इनमें 16 वो विधायक थे जो सबसे पहले बागी हुए थे जिनकी योग्यता के ऊपर आज फैसला आना है। अब देखिए शिवसेना के जो ज्यादातर विधायक थे वो एकनाथ शिंदे के साथ थे और इसीलिए उन्होंने खुद को असली बता दिया और दो धड़ों में बट गई यहां पर शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया और यही वजह रही कि कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट की तरफ से एक आ गया कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दिया है, फ्लोर टेस्ट उन्होंने किया ही नहीं, उसका सामना ही नहीं किया, तो अब हम वापस इस सरकार को नहीं ला सकते। यही सबसे बड़ी गलती कही जा रही थी उद्धव ठाकरे की।
बीजेपी के समर्थन से इसके बाद शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और अभी तक यही सरकार बनती यहाँ पर लगातार चली आ रही है। अब आज क्या जो बागी विधायक हुए थे, पहले 16 बागी विधायक, उनके ऊपर फैसला आना है। उद्धव ठाकरे गुट के 16 बागी विधायकों के खिलाफ याचिका सबसे पहले दायर की गई थी। अब ये जो 16 बागी विधायक हैं, अगर इन्हें आज योग्य करार दे दिया जाता है तो बाकी भी जितने इस महागठबंधन में शिवसेना शिंदे गुट के, वो भी अपने आप योग्य करार दे दिए जाएंगे। स्पीकर राहुल नार्वेकर आज इस पूरे मामले के ऊपर फैसला सुनाने वाले हैं और बड़ी बात यह है कि जो फैसला आज स्पीकर राहुल नार्वेकर का रहने वाला है शिवसेना शिंदे गुट का, वही फैसला लगभग उसी हिसाब से चलता हुआ एनसीपी के लिए भी आगे होगा। तो आज सभी की निगाहें इसलिए महाराष्ट्र के ऊपर है, शिंदे गुट हो, उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर पूरा एनसीपी, जो इसका निष्कर्ष वही एनसीपी का भी, क्योंकि एनसीपी भी अब दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर, और देखिए फैसला जो भी होगा उस पर महाराष्ट्र की पूरी राजनीति निर्भर करने वाली है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोग्य करार आज दे दिए जाते हैं, इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि उनकी विधायकी चली जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां सरकार बनी रहेगी बीजेपी के गठबंधन वाली, दोबारा बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार ही बनेगी। हाँ, जो मुखिया का चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये जरूर बदल जाएगा और इनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाएगा, पर सरकार यही रहेगी। अजीत पवार के गुट के पास जरूरत के मुताबिक एमएलए हैं, लेकिन अब आप समझिए इसके बाद अजीत पवार का कद तो बढ़ जाएगा ना, अजीत पवार का कद बढ़ जाएगा, उनके विधायकों का कद बढ़ जाएगा, एमएलए की संख्या चूंकि उनके पास पूरी है, तो ये सरकार आपको ऐसे ही आगे चलती हुई भी दिखाई देती रहेगी। अब इसी की तर्ज पर आगे भी फैसला होगा, महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार कायम रहेगी लेकिन एनसीपी के भविष्य का फैसला भी इसी के साथ हो जाएगा। अजीत गुट के लिए भी ये बड़ी कामयाबी होगी, अगर जो शिंदे गुट है उसके विधायक योग्य है तो फिर ये कामयाबी आगे चलकर एनसीपी की भी हो सकती है। उद्धव गुट के विधायक अयोग्य इसके साथ माने जाएंगे, मतलब सीधी बात है, अगर शिंदे गुट के विधायक योग्य हो गए तो सीधी बात है उद्धव ठाकरे गुट के जो विधायक है वो इसी के साथ अयोग्य मान लिए जाएंगे। लेकिन स्पीकर का फैसला जो भी हो, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तो मचेगी, ये तय है। अब आंकड़ा समझिए, कहां कितना आंकड़ा किसके पास है। कुल विधायक हैं 288 महाराष्ट्र विधानसभा में, बहुमत का आंकड़ा आपको चाहिए 145। अब फिलहाल की स्थिति क्या है, बीजेपी के पास 106 विधायक है, शिवसेना शिंदे गुट के पास 44 एमएलए हैं, एनसीपी जो अजीत पवार वाला गुट है उसके पास 40 एमएलए और अन्य है 21 एमएलए। तो इस तरीके से फिलहाल बीजेपी, शिवसेना, वो भी शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत पवार गुट, इनकी सरकार बनी हुई है। सरकार के पास इस वक्त 211 विधायक है शिंदे गुट के बिना भी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि शिंदे गुट के बिना भी सरकार के पास बहुमत 167 विधायक है, अजीत पवार के जो गुट एनसीपी का मिला है उसकी बदौलत। और इसे आप कह सकते हैं कि यही शायद बीजेपी की दूरदर्शी सोच रही होगी अजीत पवार को साथ मिलाने की, और नतीजा आपको दिखाई दे रहा है।